हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान, लेके आया हूं डिवाइन फेमिनाइन गाइडेंस। इस टाइम पे मैं प्रोवाइड करूंगा कि आपको क्या जानना है आपके एंड आपके डिवाइन मैस्कुलाइन पर्सन के बारे में। तो कहीं ना कहीं अगर आप ट्विन फ्लेम में हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी अपडेट आपको हमेशा एम्पावर्ड फील करवाते हैं। एंड डेफिनेटली बात ये नहीं है कि ट्विन फ्लेम बहुत ज़्यादा कैओटिक है, और बात ये नहीं है कि ट्विन फ्लेम बहुत डिफ़िकल्ट है। बात ये है कि कैसे आपको हील करना है खुद को, क्योंकि ट्विन फ्लेम में आप दूसरे पर्सन को कुछ चेंज नहीं कर सकते हो, इट्स अ चैलेंज। और जैसे आप अपने खुद को हील कर दोगे उसके बाद ही आपको एक बहुत बड़ा सोल अवेकनिंग मिलेगा और बहुत बड़ा सोल जर्नी, सोल पथ मिलता है। यही बेसिकली कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप किसी भी जर्नी में हो, इसका ये मतलब नहीं है कि यू आर गोना सफ़र। नो, आप सफ़र नहीं करोगे। जब तक ट्विन फ्लेम चलेगा तब तक आपको रियलाइजेशन होता रहेगा, और एट द एंड ऑफ द होल रोड ईदर यू विल गेट योर सोल पर्पस और यू विल बी वेरी हैप्पी विद दिस पर्सन। इसका मकसद यही होता है। तो लेट्स सी कि किस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो, क्या क्या एडवाइस आपको माँ अभी प्रोवाइड कर रहे हैं। और एक और बात, मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और ना ही मैं कोई अदर्स वेबसाइट्स पे अवेलेबल हूँ, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और भी कोई, और मैं कंसल्टेशंस नहीं करता हूँ, तो स्कैमर से बचिएगा। लेट्स सी इस टाइम पे माँ आपको क्या कह रहे हैं। ओम काली काली महाकाली काली के बापहरणी धर्मर्थमकते देवी नारायणी नमस्ते। ओंकार लवदनम घोरम मुक्त केशिन चतुर्भुजम कालिकं दक्षिणं दिव्यं मंडमाल विभूषितम सदाशिन सीरो गर्ग बामर्थ गर्णम भुजम अभयं वर्धन जीव दक्षिणार्थ पानिकं महामेघ प्रभं समं तथा जीवति उम्बरिं गंडा सक्त मंडली कल धरु उदर चुचनम कर्णावतम सदति नत शुभ जुम वैनकम गर्ध दष्टं कल लक्षं कुइ नदी भद्रं सवनं कर संगाति तित गजसं कंच पिता कल तारा विश्वरित नम गुरु बैंग मार्दन सुने वासना बालर कमंडला करल चन प्रेमितम तंत्रं दक्षिण व्यापिलम वन गजम सब रूप महादेव हृदय परिसंस्थम शिवा भी माँ मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेजेस बता दीजिए। और कोई इन्फॉर्मेशन सब देना चाहते हैं, यहाँ पे मैं स्टॉप करूँगा और मैं देखूँगा सारी इन्फॉर्मेशन को। ओके एंड उसके बाद ये एंड देन ये। ओके, सो मैं यहाँ पे बात को स्टार्ट करूँगा रक्ता काली माँ के कार्ड से, क्योंकि रक्ता काली माँ आपको बोल रहे कि एनर्जी इज फ्लोइंग इन योर ब्लड, रेज योर हाई वाइब्रेशंस, पैशनेट यूथफुल रोमांस। आप ट्रैप हो, आप ट्रैप्ड होके बैठे हो। कैसे? बार बार अगर आप एक ही सिचुएशंस के बारे में सोचते रहोगे, और बार बार अगर आप ट्विन फ्लेम के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स के बारे में सोचते रहोगे, तो यहाँ पे आप गलती कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं एनर्जी इज फ्लोइंग इन योर ब्लड मतलब क्या है कि आप ही वो ट्विन हो। तो अगर आप अपने तरीके से प्यार को बढ़ाओगे, वो भी अपने तरीके से प्यार को बढ़ाएगा। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि यू आर बेसिकली ट्राइंग टू सी क्लियरिटी। लाइक आपको पता चल रहा है कि वो झूठ बोल रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि वो ऐसे क्यों हैं। बट इस टाइम पे अगर आप अपने माइंडसेट को हटा के आप मैजिक करना स्टार्ट करोगे, लाइक अगर मैं अच्छा सोचूंगा तो तुमको सोचना पड़ेगा अच्छा, अगर मैं मेरे बारे में बहुत फील करूँगा तो तुम भी ऑटोमेटिकली फील करोगे, बिकॉज दैट इज़ द ट्विन। तो यहाँ पे बात आते हैं कि यू आर सैड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पे बात ये भी है कि आपको कुछ अलग लेवल की इन्फॉर्मेशन पता चल रहा है। हो सकता है कि आपके ट्विन झूठ बोला है, या फिर वो आपको जो भी वादा किए थे वो नहीं निभाए, और यू नो हो सकता है कि दैट पर्सन इज एंगेज नाउ, हो सकता है दैट पर्सन इज कम्प्लीटली आपको छोड़ के चला गया है, और आपको पता चला है कि दैट पर्सन इज टॉकिंग टू समवन एल्स। ये जिस दुनिया के कोने में भी जाएंगे उसके बावजूद भी आप लोगों का जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड अक्सर
मतलब ये कॉर्ड कभी कट नहीं हो सकता, चाहे आप बात कर लो ना कर लो, 6 साल बीत जाएगा, 10 साल बीत जाएगा, 15 साल के बाद भी अगर आप दोनों मिलोगे तो फिर से वो कनेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि ट्विन फ्लेम की वजह से आप अपनी लाइफ में फोकस नहीं कर पा रहे हो। हो सकता है आप इस कनेक्शंस के बारे में सोचते हो, कई कबार आपको बुरा भी फील होता है कि क्यों आया क्यों गया, बट कभी भी आप उस कनेक्शंस को छोड़ के दूसरे सोलमेट के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हो। तो अगर मेरे को ऐसा लगता है कि इस कनेक्शंस आपके लाइफ से चला गया है ये ट्विन, बट कहीं ना कहीं आपका पता नहीं, आपको उसके बाद से कोई भी पर्सन नहीं मिला या फिर आपको अपना मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो आपको लगता है कि क्या कुछ भूल हो गया है, क्या कभी भी आपको प्यार नहीं मिलेगा, क्या ये वापस आएंगे या फिर क्या नया पर्सन आएगा, काइंड ऑफ यू आर कन्फ्यूज। बात ये नहीं है कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, बात ये है कि क्या आप खुश हो, और अगर खुश नहीं हो तो क्यों खुश नहीं हो, बिकॉज एनर्जी इज़ फ्लोइंग इन योर ब्लड। रक्ता काली माँ आपको बोल रहे कि इंक्रीज योर वाइब्रेशंस, लाइक खुशियों के लिए आपको कोई दूसरे पर्सन नहीं, खुशियों के लिए आप अपने सोल पर्पस पे फॉलो करो। कुछ चीज़ आपको मिला है, उस चीज़ को अंडर एस्टिमेट मत करो, जो भी माइंडसेट आपको मिला है, जो भी लेसन आप लर्न किए हो, वही आपके लिए सच है। अब बात आते हैं कि हम लोग उस सच को नहीं मानते, हम लोग अक्सर सोचते कि नहीं ये शायद मेरा बहम है, या फिर ये सिचुएशन शायद किसी ने करवाए हैं, या फिर ये सिचुएशन चेंज हो जाएगा। नो, चेंज नहीं होगा। ये जो भी सिचुएशंस है उसको एक्सेप्ट करिए, और तब जाके उसको जब आप एक्सेप्ट करोगे तब जाके आप कोई नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट सिचुएशंस, नेक्स्ट मोड के बारे में सोच पाओगे। कहीं ना कहीं बात आते हैं कि आप घूम फिर के वहीं पे जाके अटक रहे हो और रो रहे हो, और कहीं ना कहीं आपको पता नहीं चल पा रहा कि क्या गलती आप कर रहे हो। डेफिनेटली यू आर फॉलोइंग द सेम ट्रैक अगेन एंड अगेन, एंड दैट्स वाई दिस फीलिंग्स कीप्स कमिंग। लाइक एक पर्सन के थॉट्स क्यों आ रहे हैं, बिकॉज आप उसी रास्ते से दोबारा जा रहे हो। अगर आप नए पर्सन के साथ मिलने के लिए भी जा रहे हो, सेम थॉट प्रोसेस लेके चल रहे हो कि हाँ मैं तो ऐसी हूँ। काइंड ऑफ वक्त आ गया कि खुद को कुछ ना कुछ चेंज करना होगा। सेकेंड पार्ट, प्रज्ञा काली माँ, यू नीड टू ट्रस्ट योर ओन विजडम, यू नीड टू स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम आउटसाइड सोसाइटी, दैट इज इट। लाइक बहुत सारे लोग गुरु शिष्य के बारे में बोलते हैं, बहुत सारे लोग टैरो के बारे में बोलते हैं, बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी के बारे में बोलते हैं, बट मैं अभी तक किसी भी पर्सन को नहीं सुना हूँ कि मैं मेरे अपनी स्पिरिचुअलिटी फॉलो करता हूँ। लोग विचेस के बारे में बोलते हैं, लोग तंत्रा के बारे में बोलते हैं, बट मैं किसी को नहीं सुना हूँ कि उनके एक पर्टिकुलर स्पिरिचुअलिटी है। क्यों? क्योंकि सभी लोग दूसरों को कॉपी करने में माहिर है, दूसरों के बारे में, दूसरों के प्रोसेस फॉलो करने के लिए बैठे हैं, या फिर प्रोसेस ही फॉलो कर रहे हैं कुछ भी नहीं समझ के। कहीं ना कहीं प्रज्ञा काली माँ आपको यही बोल रहे हैं कि इतना जो पथ आप आए हो, डेफिनेटली आपको मिला है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, आपको भी पता है कि क्या सही और क्या गलत है, इसके बावजूद भी आप क्यों डरते हो, इसके बावजूद भी आप अपने इंट्यूशंस को क्यों झुटलाते हो। आपकी इंट्यूशंस जो भी आपको बोलता है काइंड ऑफ वो सच होता है, और अभी शायद आप अपने इंट्यूशन से डर रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। नो, बुरा नहीं होता है। इंट्यूशंस आपको हमेशा मदद करते हैं टू थिंक सिंगुलरली, टू थिंक यूनिक, एंड टू थिंक आउटसाइड बॉक्स। और आउटसाइड बॉक्स एंड एंजाइटी, ये दोनों आपके साथ इसीलिए है क्योंकि बचपन से आप सिचुएशंस को कंट्रोल करते करते बड़े हुए हो। कोई ऐसा सिचुएशंस नहीं आया है जहाँ पे आपको इजीली मिला है। तो आपको डर क्या लगता है कि कंफर्ट जोन चला जाएगा, मतलब जो कुछ भी बचा कुछ आए वो भी चला जाएगा? नो, कंफर्ट जोन चला जाएगा मतलब क्या है कि जो पैटर्न आया है, अनिश्चित फ्यूचर, अनसर्टिनिटी, उस अनसर्टिनिटी को जब तक ना आप एक्सेप्ट कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि कंफर्ट हर्ट्स अलॉट, जब भी आप कंफर्ट जोन में जाओगे ऑटोमेटिकली आप उसी जगह पे स्टिक हो जाओगे, उसी को पकड़ के चलोगे, कोई नई इनोवेशंस नहीं मिलेगा, घिसी पिटी लाइफ को लेके चलोगे, और आखिर में आप एक क्लोजेट में बंद हो जाओगे। तो इसीलिए प्रज्ञा माँ आपको बोल रहे कि हर दिन चेंज होता है, हर पल चेंज हो रहा है, यू हैव विजडम। आप क्यों पुराने तरीके अपनाओगे, क्यों आप खुद को एक ब्लॉक के अंदर रख दोगे, क्यों आप खुद को एक पैटर्न में फंसा के रख दोगे? वेल, बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो आपको ट्राई करना ही है, अगर आप नहीं करोगे तो यूनिवर्स करवाएंगे।
तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे भी बोला जा रहा है कि आप अपने तरीके से ट्राई करो, आप खुद के ऊपर फोकस करो। और बात ये नहीं है कि स्क्रीन फिल्म को वापस आना है, नहीं तो आप आगे काम कर नहीं पाओगे। बात यह है कि कैसे खुद को हील करना है। सो प्रज्ञा कालिमा आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द अदर पर्सन, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द आकर्षण, फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन सेल्फ हीलिंग। शैडो वर्क करना ज़रूरी है। नाउ शैडो वर्क मतलब, ये बोलना बहुत आसान है, करना मुश्किल। क्या होता है कि ट्विन फ्लेम जो लोग रिलेशनशिप में है, डेफिनेटली उनका कुछ कार्मिक पास्ट रहते हैं। तो पास्ट लाइफ में, पास्ट लाइफ से लेके इस लाइफ तक जो भी काम आप किए हो, डेफिनेटली उसका एक रिफ्लेक्शंस आपके सोल के अंदर कैद है, और वो सोल बार बार उसी रिफ्लेक्शंस को याद दिलाते हैं। आप देखोगे एक चीज़, डरावने ड्रीम्स आपका याद रहता है। कोई सिचुएशंस पे आप जब जाते हो, आपको लगता है कि कहीं पे आप ये, इसके पहले भी आप कहीं पे गए हो। किसी पर्सन को, पर्सन के बारे में जब आप बात करते हो, तो अपने आप उनकी इन्फॉर्मेशन आपके कानों में चले आता है, लाइक आपको दिख जाता है चीज़ें, और उसके बावजूद भी आप खुद को एक नॉर्मल इंसान की तरह सोचते हो। क्योंकि क्या है कि आपको समाज सिखाया है कि नॉर्मल इंसान ऐसे 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 है, और जब आप अपने नॉर्मल इंसान का एस्पेक्ट देखते हो और जब खुद के एस्पेक्ट देखते हो, तब आप जज नहीं कर पाते हो कि कौन सा सही है। तो इसीलिए क्या करते हो ना, आप बोलते हो नहीं, शायद मैं ही गलत हूँ, और ये मैं ही गलत हूँ बहुत जल्दी ही आप बोल देते हो। तो यहाँ पे बात आते हैं कि प्रज्ञा काली मतलब आप गलत नहीं हो, आप सही हो, बट बात आते हैं कि आपके जो इंडिविजुअल अप्रोच है, उस इंडिविजुअल अप्रोच को और भी ज़्यादा मजबूत करना होगा। लाइक आपको अभी भी लगता है कि आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं, सिचुएशंस बहुत आगे चले गए, कोई आपको रिजेक्ट करके चले गए, ट्विन फिल्म, ट्विन फिल्म कुछ नहीं होता है। नो, इट इज़, आप एक ट्विन के साथ हो, बट द थिंग इज़ कि ट्विन ने आपको जो कार्मिक फल दिए हैं, लाइक यू नो क्या होता है, जब भी ब्रेकअप हो जाता है, सेपरेशन होता है, तो कहीं ना कहीं उस पर बहुत ज़्यादा दर्द आप महसूस करते हो, और वही दर्द आपने उसको दिए थे लास्ट लाइफ पे। तो काइंड ऑफ क्या हुआ, ट्विन फ्लेम जब बिछड़ जाते हैं या फिर सेपरेटेड हो जाते हैं, तब आपको इतना बुरा लगता है ना कि लाइक लाइफ में कभी भी उतना बुरा नहीं लगेगा। राइट नाउ यू आर कंटिन्यूसली क्राइंग, और ये इसीलिए क्योंकि बुरा लग रहा है। और अब जाके अगर आप बैठे रहोगे और आप सोचोगे कि नहीं वो नहीं आएंगे तो आप हील नहीं हो पाओगे, तो गलत करोगे। तुरंत आपको या तो थेरेपिस्ट के पास जाइए या फिर आप खुद ही थेरेपिस्ट बन जाइए, बट कहीं ना कहीं इस नेगेटिव इमोशंस को चैनलाइज करिए। यस, इस टाइम पे आपको अच्छा नहीं लगेगा किसी नए पर्सन के साथ बात करने में, या फिर कोई नए थॉट्स भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, बट राइट नाउ आप थोड़ा सा मैच्योर होके बात को आगे बढ़ाइए। डेफिनेटली यू नीड टू टॉक टू समवन इफ यू आर हैविंग सम डिफिकल्ट मोमेंट्स इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद आता है संहार कालिमा, वेल यू नीड टू ब्रेक द ट्रैप ऑफ योर ओन माइंड। सर यू नो मेरे को कुछ बोलना नहीं है, माँ इज सेइंग दीज थिंग्स टू यू। तो डेफिनेटली डिवाइन फेमिनाइन, आपके डिवाइन मैस्कुलिन एक नार्सिसिस्ट है, एंड इसको मैं डिवाइन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज इन्हीं के वजह से आपको पता चल रहा है कि कितना वीक आप हो, इन्हीं के वजह से आपको पता चल रहा है कि कितना पावरफुल आप बन सकते हो, इन्हीं की वजह से आपको पता चल रहा है कि आपके सोल पर्पस क्या है। लाइक ऐसा है कि ट्विन फ्लेम जब आपके लाइफ में एंटर करते हैं तो डेफिनेटली कुछ डिवाइन पर्पस के लिए एंटर करते हैं। तो इसीलिए डिवाइन मैस्कुलिन क्या है कि आपके अंदर के लूपहोल्स को ये बहुत अच्छे तरीके से दिखा देते हैं, और इसीलिए झगड़ा होता है जब ये बातें को करते तो वो चुभता है, और आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये कुछ अच्छा बातें करेंगे, बट कभी नहीं होता। अक्सर ट्विन फ्लेम क्या होता है, जो ओरिजिनल्स है, ये आपके अंदर के वीकनेस को तब तक दिखाते रहेंगे जब तक ना आप खुद उस वीकनेस को काइंड ऑफ ख़त्म करोगे। तो आप क्या सोच रहे हो कि नहीं ये चेंज होगा, ये कभी चेंज नहीं होगा, ये तब तक बोलता रहेगा जब तक ना आप एक स्ट्रांग पर्सन में बदल जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लियर कट साइन है कि यू नो यू नीड टू से नो। अगर कोई बहुत ज़्यादा डिसरेस्पेक्ट करे, या फिर 10 दिन हो गया है, 12 दिन हो गया है, 1 महीना हो गया है, ट्विन की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया, कॉल नहीं आया है, और आप क्या कर रहे हो, अपने इमोशंस को कवर अप कर रहे हो और रो रहे हो, और या फिर आपके गुस्सा अपने काम के ऊपर दे रहे हो, लाइफ के ऊपर दे रहे हो, क्या आप सही कर रहे हो खुद के सोल के साथ? क्योंकि जितना गुस्सा आप करोगे, जितना नेगेटिव आप जाओगे, डेफिनेटली ट्विन भी उतना नेगेटिव जाएगा। दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम, मतलब आप जो करोगे वो वही करेगा। सो यू नीड टू ब्रेक द ट्रैप। अगर आप अपने मन का ट्रैप को हटाओगे, जब भी नेगेटिविटी आ रही है उसको बोलोगे कि नो आई नो
कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है एंड आई नीड टू वर्क, मेरे को उसको कॉल मैसेज एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी है, आई नीड टू फिगर दिस थिंग्स आउट कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। अगर इसके लिए मेरे को उससे उसके साथ बात करना बंद करना पड़े तो आई वुड डू दैट। सो संहार काली माँ आपको बोल रहे कि रुद्र मूर्ति जो है आपके, रुद्र रूप जो है आपके, उसको बाहर लेके आइए। इतना ज़्यादा मत सहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा सह रहे हो आप। मन को स्ट्रॉन्ग रखिए, उतना सेंसिटिव अगर हो जाओगे तो कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलाइन जो है वो आपके ऊपर और हावी हो जाएगा। इस टाइम पे आपको कोई कंट्रोल कर रहे है और उसके सामने आपका कोई वैल्यू नहीं है, और अगर आप इसके बावजूद भी उसके मुंह से यस सुनना पसंद करोगे, उससे उसके सामने से कुछ वैलिडेशंस मांगोगे तो वैलिडेशंस नहीं मिलेगा। कई कभार खुद को डिसाइड करना पड़ता है कि रास्ता को चूज़ करनी है या फिर छोड़ना है। सो आई थिंक दिस इज़ द हाई टाइम टू डिसाइड कि यू शुड वेट और यू शुड मूव ऑन। उसके बाद आता है वाशवती काली माँ, योर हेल्थ ऑरा स्पिरिट इज़ रिवाइटलाइजिंग, यू आर गोना एक्सपीरियंस अ न्यू लाइफ विद इन दिस लाइफ, अवेकनिंग फाइंडिंग पर्पस। नाउ वाशवती काली माँ के मैंने बोला कि ड्रीम के साथ इसका एक बहुत अच्छा रिश्ता है। सो डेफिनेटली यू आर ड्रीमिंग समथिंग, आप एक सपने देख रहे हो, बट पता है एक चीज़, बीइंग अ डिवाइन फेमिनाइन आप बहुत चीज़ एक साथ महसूस कर सकते हो, सबके पेन एक साथ फील कर सकते हो। तो इसीलिए डिवाइन मैस्कुलिन कितना भी कुछ करे, इस चीज़ को एज अ डिवाइन प्लान आप समझिए। लाइक आप किसी को सपने में देखे हो और आपको लगता है कि हाँ ये पर्सन तो ऐसे ही है, तो अचानक चेंज क्यों हो गया, अचानक बदल क्यों गया? वेल, कहीं पे डिवाइन फेमिनिन आपने रूल्स तोड़े थे, आपने इसके छल इसके कपट को समझ नहीं पाए थे। वेल, आपको समझ में आ रहा है कि क्या छल क्या कपट ये कर रहे थे। सो नाउ अगर फिर भी आप उसके लिए वेट करोगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, ये नहीं आएंगे क्योंकि आप वेट कर रहे हो, वो भी वेट कर रहे हैं, आप समझ सकते हो। सो नाउ यू आर रिवाइटलाइजिंग, यू हैव टू एक्सपीरियंस न्यू लाइफ विद इन दिस लाइफ। सो अगर आप अपने थॉट प्रोसेस को क्रिएट करोगे कि ओके यू नीड टू फाइंड समथिंग यूनिक। सो मान लीजिए कि टैरो पे अगर इंटरेस्ट हो, डिविनेशंस पे इंटरेस्ट हो, या फिर खुद के डिविनेशनल टूल पे आप इंटरेस्ट हो, लाइक आप अगर डिवाइन के साथ कनेक्टेड फील करना चाहते हो तो ट्राई कीजिए, कुछ ऐसे चीज़ कीजिए जिसके थ्रू आप डिवाइन के साथ कनेक्ट कर पाओगे। एंड जैसे आप ट्राई करोगे वैसे आपके सामने दरवाज़ा ओपन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वाशवती काली माँ आपको बोले कि ये जो सारे दरवाज़ा बंद है ना, ये शायद आपके वजह से बंद है, बिकॉज यू आर योर सेल्फ नॉट गोइंग एनीवेयर। आप बैठे हो, आप किसी के साथ बात करने के लिए रेडी नहीं हो, और कहीं ना कहीं जब बात आ भी रहे, यूनिवर्स जब आपको पुश भी करे, तब आप नो बोल दे रहे हो, लाइक नए लोगों से, नए बात से, नए कॉन्सेप्ट से। तो बात यही है कि अवेकनिंग हो रहा है, क्या आपको भी सेम तरीके का फीलिंग है कि आपको कुछ करना है, आपको कुछ नए तरीके से ढूंढना है? क्या आपको ये फील हो रहा है कि ठीक है, सिंस यू आर विद इन अ ट्विन फ्लेम, सो आप इसको चेंज नहीं कर सकते बट खुद को चेंज कर सकते हो? तो आई थिंक अगर खुद को चेंज करने का कुछ इमेज या फिर इंट्यूशंस आ रहे हैं तो प्लीज़ डू दैट। देन आते हैं श्यामा काली, यू कैन बी जेंटल ऑल्सो कैन बी रूथलेस, सो चूज वॉट योर माइंड सेज। तो यहाँ पे बात आते हैं कि काइंड ऑफ मैनिफेस्ट करने के लिए जो डिटैचमेंट चाहिए वो भी आपके पास है, मैनिफेस्ट करने के लिए जो अटैचमेंट चाहिए वो भी आपके पास है। ओके, सो ये अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट का खेल क्या है? द मोमेंट यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग, या तो आपको अच्छा फील हो रहा है या फिर आपको बुरा फील हो रहा है, बट अगर आप ये अच्छा और बुरा फील को हटा के आप खुद को एक यूनिवर्सल तरीके से देख रहे हो तो यू आर एबल टू मैनिफेस्ट थिंग्स। लाइक अगर आप किसी चीज़ को देख रहे हो फ्रॉम एन वाइड एंगल, लाइक ना आप इसके करीब जा रहे हो ना आप इसके दूर जा रहे हो, इस चीज़ को आप देख रहे हो, दैट मीन्स यू आर पुटिंग ऑल योर एनर्जी देयर। बट जैसे ही इसको आप बुरी नज़र से देख रहे हो फिर अच्छे नज़र से देख रहे हो, देन द एनर्जी इज़ लाइक यू आर ओनली गिविंग पॉजिटिव और यू आर ओनली गिविंग नेगेटिव। सो यहाँ पे बात आते हैं कि किसी चीज़ को आप एकदम न्यूट्रली देखिए,
गलती आपका भी है, गलती उनका भी है, बात आप भी जेंटली करते हो बट कई कबार गुस्से में आते हो, सिमिलरली वो भी करते हैं और गुस्से में आते हैं। तो यहाँ पे अगर ब्लेम गेम आप कर रहे हो सो स्टॉप, रैदर अगर पसंद नहीं आ रहा है इस पर्सन को तो कुछ दिन बंद कीजिए कम्युनिकेशंस, कुछ दिन अपने माइंड को मतलब कहीं अलग जगह पे फोकस कीजिए, डिविएट कीजिए माइंड को, बट एक पुराने पैटर्न को लेके मत चलिए। पुराने कुछ हिस्सा है ओके उनका, वो बार बार आपके दिमाग में आ रहे कि ये बोला था, ये वो बोला था, या फिर एक पर्टिकुलर पल को आप याद कर रहे हो, प्लीज़ स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट मोमेंट्स। बिकॉज क्या हो रहा है कि जितना ज़्यादा आप सोच रहे हो उतना ज़्यादा पेनफुल मेमोरीज़ को आप यू नो काइंड ऑफ उस मेमोरीज़ के पास आप जा रहे हो। उसके बाद आता है सृष्टि कालिमा, योर सोल नीड्स अ बैलेंस फोकस ऑन मोमेंटम, येस काइंड ऑफ एक बैलेंस अप्रोच लेके चलिए। लाइक मेरा मानना है कि दिस इज़ अ हाई टाइम कि यू शुड फोकस ऑन मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी, एंड दिस इज़ अ हाई टाइम टू फोकस ऑन योर ओन वैल्यूज़। लाइक ओन वैल्यूज़ मतलब क्या है कि जब आप खुद के बारे में खुद के बारे में लिखने के लिए बैठ रहे हो तब आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि किस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हो और किस चीज़ को आप पसंद करते हो, किस चीज़ को आप पसंद नहीं करते हो। बात आती है कि जब हम लोग अपने लाइफ को जीते हैं तो 90% तो हम यही सोचते हैं कि सामने वाले पर्सन या फिर पेरेंट्स या फिर नेबर्स या फिर दोस्त किस तरीके से हम लोगों को देख रहे हैं। तो काइंड ऑफ फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, फियर ऑफ लूजिंग समवन, ये फियर्स आपके अंदर ऑटोमेटिकली है। अब इस फियर को जब आप हटा रहे हो तब आपको फ्रीडम मिल रहा है कि मेरे को कुछ परवाह नहीं है। अब जब वो फ्रीडम मिल रहा है तो उस एनर्जी को भी चैनलाइज करने के लिए एक एक तरीका होना चाहिए। लाइक आपके पास फ्रीडम है इसका मतलब ये नहीं कि आप जो चाहे वो करोगे, आपके पास फ्रीडम है मतलब उस फ्रीडम को आप यूज़ करोगे अपने एक्सपीरियंस के साथ। जैसे लाइक यू न्यू वन थिंग और यू हैव कम टू नो वन थिंग कि आपके कनेक्शंस में ये प्रॉब्लम्स हुआ था और ये इसी वजह से हुआ था। नाउ व्हेन यू आर पॉइंटिंग आउट दिस प्रॉब्लम्स एंड ट्राइंग टू गेट अ सॉल्यूशंस कि ओके ये प्रॉब्लम इसीलिए हुआ था तो आई थिंक इसका नतीजा ये होगा, तो ये जब प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस आप जब खुद पॉइंट आउट कर रहे हो आई थिंक यू शुड कल्टिवेट ऑन दैट। लाइक यही चीज़ को अगर आप अपने तरीके से दुनिया के सामने बोलेंगे या फिर बुक्स लिखेंगे या फिर कहीं ना कहीं इस क्रिएटिविटी को आप यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, लाइक और लोगों के बीच में शेयर करोगे, यू विल बिकम अ ग्रेट काउंसिलर। क्योंकि द सृष्टि कालिमा मतलब क्या है कि आपके अंदर एक क्रिएटर छुपा है, आपके अंदर एक काउंसिलर है, एक एडवाइज़र छुपा है, एक साइकिक छुपा है, एक मीडियम छुपा है, और उस मीडियम को एक मॉडरेट अप्रोच चाहिए। सो बीइंग अ डिवाइन फेमिनिन आप ऑलरेडी इंट्यूटिव हो। अब बात आते हैं कि बीइंग एन इंट्यूटिव हाउ यू कैन कनेक्ट विद अनदर पर्सन एंड आल्सो विदाउट टचिंग देयर एनर्जीज। तो यहाँ पे बात है कि आपको साइकिक प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है, आपको अपने इंट्यूशंस के ऊपर भरोसा करके एक डिसीशंस लेना है। और पहले पहले आप क्या कर सकते हो, टैरो सीख सकते हो अपने आप, बट ये सेल्फ लर्निंग प्रोसेस है, ये पूरे जो प्रोसेस है ये सेल्फ लर्निंग प्रोसेस है। तो डिवाइन फेमिनाइन मैं बोलूँगा कि हर्नेस योर मिस्टिकल पावर। सृष्टि काली का मतलब है कि आपके जो मिस्टिकल पावर है, मिस्टिकल एबिलिटीज है, वक्त आ गया कि उसको अपने मॉडरेट अप्रोच के साथ कल्टिवेट कीजिए। जीवन में जो चीज़ देखे हो उसी चीज़ को अप्लाई करते हुए कल्टिवेट करना है। लाइक आप देखिए कि ज़्यादा प्यार करने का नतीजा क्या है, एंड एट द सेम टाइम आप देखिए हो कि अगर एकदम ही बात नहीं करोगे तो उसका नतीजा क्या है। फेस वैल्यू पे अगर आप लेते हो किसी को तो उसका नतीजा क्या है, और हर्ट टू हार्ट कम्युनिकेट जिसके साथ करते हो उसका नतीजा क्या है। सो ये जो एक्सपीरियंस हुआ है काइंड ऑफ इसको जॉट डाउन कीजिए एंड देन स्टार्ट योर ओन जर्नी, स्टार्ट योर ओन स्पिरिचुअल जर्नी। तो यहाँ पे सृष्टि कालिमा है कि आप अंदर के क्रिएटर को आगे लेके आओ एंड कुछ करिए, कुछ नए चीज़ ट्राई कीजिए एंड तब जाके आपको थोड़ा बहुत राहत एंड डेफिनेटली एक तसल्ली मिलेंगे। लास्टली आया है मृत्यु काली एंड यू आर अवेकेंड, चेरिश योर लाइफ विथ अ न्यू होप, यू आर न्यू नाउ, रेक्टिफाइंग एंड ओ माई गॉड मेंटेनिंग बैलेंस। सो यू नो इट्स इज ऑल कि इस ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में एक ऐसे जगह पे आए हो लाइक ठोकर खा के आपको लग गया है कि लाइक अब जो भी करना है आपको करना है, अब जिसको जो कुछ दिखाना नहीं है ना ही लड़ना है,
इट्स अ हाई टाइम टू वर्शिप योर ओन ऑरा एंड मेरे ख्याल से मृत्यु काली माँ मतलब जो भी चेंजेस आपके लाइफ में आए हैं, जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस आपके लाइफ में आए हैं, वक्त आ गया है कि इसके अंदर का पॉजिटिव, इसके अंदर में जो पॉजिटिविटी छुपा है उसको, उसके बारे में सोचने का. लाइक कोई पर्सन छोड़ के गया है इसका मतलब ये नहीं कि यू नीड टू गो फॉर काइंड ऑफ गो फॉर सर्चिंग समवन एल्स और यू नीड टू डू योर ऑल मिस्टेक थिंग्स टू गेट बैक दिस पर्सन. नो, आपको किसी के पास भी नहीं जाना है, ना ही उस पर्सन को बुलाना है. ये वक्त है खुद के ऑरा को और डेवलप करने का, ये वक्त है साइलेंस को एक्सेप्ट करने का, ये वक्त है आपके जो अंदर के जो सुपर नेचुरल कॉर्ड्स है उसको एक्टिवेट करने का. तो वक्त आ गया है डिवाइन फेमिनाइन, डिस्कनेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम ऑल दिस हैसल्स. कुछ दिन के लिए थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, थोड़ा सा वाइब्रेशंस को फील कीजिए, कुछ नई चीज़ पढ़िए, साइकिक जर्नी स्टार्ट कीजिए. साइकिक जर्नी में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटैचमेंट. सेकेंड चेंज एंड थर्ड कंसिस्टेंसी. सो आपको कुछ चीज़ पाना नहीं है, ना ही कुछ चीज़ को अचीव करना है. आपको सिर्फ खुद के पावर के बारे में वाकिफ रहना है एंड खुद के पावर को जानना है. सो कहीं ना कहीं मृत्यु का लिए आपको यही बोल रहे हैं कि राइट नाउ द थिंग इज़ कि यू कैन नॉट गेट बैक दिस पर्सन, नीदर यू कैन नॉट नॉर यू कैन नॉट फाइंड अनदर न्यू पर्सन. सो ना आप पीछे जा पा रहे हो, ना आप आगे जा पा रहे हो किसी नए पर्सन के साथ. तो राइट नाउ क्या करनी है, डिवाइन से पूछिए इस वक्त ये सिचुएशंस को, अगर आप जो जो चीज़ फील कर रहे हो उस चीज़ को अगर आप एक नोट करके रखेंगे एंड देन आप उसको एज अ पोइट्री या फिर एज अ सॉन्ग या फिर एज अ वीडियो अगर आप दुनिया के सामने लेके आएंगे, आई थिंक इट विल हेल्प योर कॉन्फिडेंस एंड इट विल हेल्प अदर पीपल ऑल्सो टू फाइंड देयर ओन रूट. बट वक्त आ गया है कि टू एक्सेप्ट दिस साइकिक इफेक्ट्स एंड स्टार्ट कल्टिवेटिंग योर ओन एक्सपीरियंस. तो मेरे को ऐसा बोलना है कि अगर आप एक हीलर हो, ट्राई टू मेडिटेट डीप एंड ट्राई टू एक्टिवेट योर सुपर पावर. अगर आप पहले पहले इस जर्नी में आए हो, सो प्लीज़ फोकस ऑन योर ओन सोल, डोंट ट्राई टू गेट बैक दिस पर्सन और डोंट ट्राई टू फाइंड समवन न्यू. एक्सप्लोर दिस रिलेम, बहुत कुछ चीज़ आपको जानना है, बहुत कुछ चीज़ों के बारे में, लाइक आफ्टर लाइफ इंफॉर्मेशंस भी आपको मिल जाएगा इस वक्त अगर आप सोल सर्चिंग करोगे. तो वक्त आ गया है कि जितना हो सके मेडिटेट कीजिए, सेल्फ लर्निंग कीजिए एंड क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस कीजिए, अंदर के क्रिएटर को जगाइए. दिस इज़ द मैसेज. राइट नाउ आप कौन से एनर्जी के साथ कनेक्टेड हो, लेट मी सी कौन से एलिमेंट आपके मन में है और कौन से एलिमेंट आपको कंट्रोल कर रहे हैं, कौन से एलिमेंट आपके मन को कंट्रोल कर रहे हैं. यस, कुब्जिका काली अर्थ एनर्जी. कुब्जिका एक ऐसा तंत्र है जो नेपाल में है एंड इंडिया में भी है. कुब्जिका माता गुज्जे काली माँ के साथ ही आप काइंड ऑफ सिमिलर ही है, इनका तंत्र बहुत ही गुप्त है. बट बाक सिद्धि से लेके जो अष्ट सिद्धि है, ओके, काइंड ऑफ इट्स अ साइन के आप सीख रहे हो कि कैसे राउटिंग किया जाता है. जैसे कि आप बैठते हो, आपका भी पेड़ की तरह आपका भी एक रूट है, वो भी ज़मीन की बहुत गभी मतलब बहुत डेंस जगह पे जाते हैं. काइंड ऑफ मेरे को ऐसा लगता है कि माँ आपको एक स्टेबिलिटी दे रहे हैं, माँ आपको लॉयल बना रहे हैं, माँ आपको कमिटेड रहने के लिए बोल रहे हैं अपने सोल जर्नी के प्रति. एंड एट द सेम टाइम अगर आप होपलेस हो जा रहे हो, देर इज़ अ होप, देर इज स्टिल अ होप. और यही बोला जा रहा है कि डू नॉट ट्राई टू फाइंड हेल्प और डू नॉट ट्राई टू सीक हेल्प, रैदर बिकम द रियल हेल्प. लाइक आप हेल्प मत ढूंढो, आप किसी के लिए हेल्प बनो. दैट्स द मैसेज यू आर गेटिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. इसी के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ. अगर ये रीडिंग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए एंड डेफिनेटली कमेंट करके बोल दीजिएगा. जय माँ कुब्जिका एंड प्यार कीजिए अपने अर्ध नारीश्वर की शक्ति को, प्यार कीजिए अपने डिवाइन फेमिनाइन साइड को, ऑटोमेटिकली डिवाइन मैस्कुलाइन साइड भी कल्टिवेट हो जाएगा.
फोकस ऑन योर सोल जर्नी। इस वक्त और किसी के बारे में मत सोचिए और कोई भी पर्सन आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपके सोल के इनलाइटमेंट, सोल जर्नी एंड एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल अवेकनिंग ही आपके प्रायर मैटर है और कुछ भी चीज़ इम्पॉर्टेंट इस वक्त नहीं है। इसी के साथ रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। मैं बहुत ही जल्दी मिल रहा हूँ शामनिंग मैसेज के साथ। बाय बाय।